हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक बार आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अर्जुन पांडे उसी समतल के विषय में फिर एक नए पॉइंट के साथ नए बिंदु के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये आज का जो हमारा पॉइंट होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा एक बिंदु से एक समतल के बीच की दूरी। एक बिंदु से और एक समतल के बीच की दूरी। तो यहाँ पे एक बिंदु से समतल के बीच की दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं कि अगर एक बिंदु दिया हो और एक समतल दिया हो तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है। ठीक है, हमारा एक बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। चलिए, देखिए हमने माना कि हमारे पास एक समतल का समीकरण है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर डॉट एन बराबर, ये समतल का समीकरण है, ये समतल है आर डॉट एन बराबर डी। ये जो इस पर समतल में ये क्या है एन, ये इस पर लंबवत है, कैसा है लंबवत, इस समतल पर लंबवत है। और एक बिंदु यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है जिसको हमने ए माना। हमने मान लिया कि एक बिंदु दिया हुआ था पी, जिसको इसकी स्थिति सदिश क्या है ए, हमने इसकी स्थिति सदिश ज्ञात कर लिया। ठीक है, क्या बिंदु है, अभी सदिश बता रहा हूं, बिंदु क्या है। अब कह रहा है कि अगर इसी समतल के समांतर इस बिंदु से एक और समांतर बनाया जाए, अर्थात इस बिंदु से एक ऐसा समांतर ज्ञात करना है जो दिए गए समतल के समांतर हो, ये अपने मन से बना रहे हैं, क्या कह रहा है, मन से बना रहे हैं, तो ये दोनों समतल क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर ये दोनों समतल समांतर होंगे तो जो इस समतल पे अभिलंब होगा, अभिलंब सदिश, वही इस समतल पर भी क्या होगा, अभिलंब, इसलिए हम इसको समांतर लेते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर ये एक समतल का समीकरण दिया हुआ है आर डॉट एन बराबर डी, दिया हुआ है, कह रहा है बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण जो दी गई समतल के समांतर, इस समतल के समांतर, तो उस कंडीशन में अभिलंब दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों के अभिलंब बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन में एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, आर माइनस ए डॉट एन बराबर जी। ये हमने बताया आपको, एक बिंदु जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है जब अभिलंब दिया हो, यहां पे अभिलंब दोनों के सेम हो। यहां से हमने सॉल्व किया, क्या क्या आर डॉट एन बराबर ए डॉट, ये तो हमारा समीकरण होगा, लेकिन अगर इसका अभिलंब रूप ज्ञात है, मानक अभिलंब रूप क्या हो जाएगा, आर डॉट एन बटे मापांक एन बराबर ए डॉट एन बटे मापांक, ये प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे आर डॉट एन दिया है, हम मानक रूप मानक क्या करते हैं, दोनों साइड मापांक n से भाग दे देते हैं, किससे मापांक, जिससे ये इकाई बन जाए, और ये कैसे बन जाता है, r डॉट n के बराबर d अपॉन मापांक, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये n के बराबर है, ये ध्यान, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हमने माना कि इसका अभिलंब रूप ये हो गया, इसका मतलब अगर यहां देखें तो ये जो पॉइंट है a डॉट मापांक n बटे मापांक, a डॉट n बटे मापांक, ये क्या हो गया, इस समतल का, इस समतल का ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु से दूरी है, क्या है, मूल बिंदु से, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, दी गई समतल का अभिलंब रूप क्या है, समतल तो ये है, इसका अभिलंब रूप लिया हमने दोनों सारे मापांक से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, डी बटे। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, अगर इस बिंदु से इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों की मूल बिंदु से जो दूरियां होंगी उनका अंतर होगा। कह रहा है कि इस बिंदु से समतल के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी का अंतर होगा, दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी का अंतर। अब दोनों समतलों के मूल बिंदु से दूरी का अंतर हम निकालेंगे, देखिए यहां से, तो क्या आएगा, दोनों दूरी यहां पर दिया हुआ है, दोनों दूरी का अंतर निकालेंगे। जैसे हम दोनों दूरी का अंतर निकालेंगे तो एक दूरी तुम्हारा ये है, एक दूरी ये है, यहां क्या पता हो जाएगा, दोनों के अंतर, तो दूरी इसको हम कैपिटल डी मानते हैं, क्या मानते हैं, कैपिटल डी, अर्थात कैपिटल डी क्या है, बिंदु से समतल के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट एन यहां से बटे में मापांक एन, और माइनस दूसरी दूरी क्या है, डी बटे मापांक, और इसको अगर एक साथ देखें तो डी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट एन माइनस डी बटे मापांक, ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला, तो यही हमारा क्या था।
और ये देखिए क्योंकि ये दूरी है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे मॉडुलस, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये पूरी वेक्टर का जो है मापन निरपेक्ष है। इस प्रकार से देखना कि ये a डॉट l माने b डॉट l, हमने लिया क्या था r डॉट l बराबर b। अगर यही ऐसा हो जाए r डॉट n माइनस b बराबर b तो क्या आएगा, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था वहां प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। उस कंडीशन में जहां दूरी का सूत्र लिखेंगे उस कंडीशन में फिर से अगर इससे हम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बी बराबर वेक्टर ए डॉट एन और यहाँ प्लस भी बनेगा बटे का मापांक ऐसा बनेगा इसका। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर बी यहाँ माइनस है या जो भी वैल्यू है यहाँ पे यहाँ पे प्लस कर लें क्योंकि माइनस तो सही रहेगा, यहाँ प्लस करके करेंगे तब यहाँ प्लस आएगा, वहां पे अगर इसको पक्षांतर करें तो ऑलरेडी माइनस होगा तो यही आएगा, वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है आर डॉट एन प्लस डी बराबर जीरो करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम माइनस करें तो ये तो सेम ही वैल्यू, तो हमने यहाँ पे प्लस किया जिससे कि वैल्यू क्या हो जाए, अगर इसको देखें तो ऐसा हो जाएगा माइनस। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि डी अगर प्लस होगा तो प्लस रखना है, माइनस होगा तो माइनस रखना है। तो इन सब के आधार पर हम एक फार्मूला लिखेंगे, ये तो हमने बताया कि प्राप्त कैसे हुआ, आपको केवल फार्मूला याद रखना है क्योंकि पूरे फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पूरा विस्तृत हम इसलिए बता देते हैं जिससे कि आपको ये पता रहे कि वैल्यू कहाँ से प्राप्त हुई। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर तो बीच की दूरी होगी डी बराबर एक बिंदु से एक समतल के बीच की लंबवत दूरी, वो क्या हो जाएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन प्लस माइनस डी बटे में मॉड ऑफ ऐसा होगा नहीं। अगर ये डी प्लस में होगा तो प्लस आएगा, अगर ये डी माइनस में होगा तो मतलब ये डी अगर डिपेंड क्या होगा कैसे किस आधार पर होगा, आपको डी को चेंज नहीं करना है, जो भी रहेगा डी अपने आप प्राप्त हो जाएगा और यहाँ ये मापान ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसा डी रहेगा उसी आधार पर आ जाएगा ठीक है, उधर है तो माइनस है, तो प्राय हम यहाँ प्लस में माइनस का उपयोग करेंगे और इसी बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इसलिए बताया आपको कि प्लस माइनस दोनों में सकते हैं क्योंकि तो डी के ऊपर डिपेंड करता है कि डी किधर है और किस कंडीशन में प्लस माइनस का ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है ए डॉट एन माने डिपेंड मापांक, अगर इसका कार्तीय रूप में कौन सा रूप है कार्तीय तो क्या जाएगा डी बराबर सेम कंडीशन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे ध्यान रखना आपको ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी, यहाँ माइनस डी है तो माइनस भी जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही माइनस को इधर कर दिया जाए प्लस कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा प्लस माइनस बदलता रहेगा डी के आधार। फिलहाल हमें फार्मूला में क्या पढ़ना है माइनस डी पढ़ना, इसके आधार पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। चलिए हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको हल करते हैं। एक दिए गए सिंपल एग्जाम्पल लेंगे सतीश का और एक दिए गए कार्तिक का ठीक है। आते हैं तो आपको फार्मूला समझ आएगा। अब देखिए इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे, बहुत सरल है, सदिश दिया होगा या कार्तिक दिया होगा, आपको अगर सदिश दिया है तो R के स्थान पर जो बिंदु होगा कौन सा बिंदु उसकी सदिश मान लेना, बिंदु सदिश अब उसको R के स्थान पर रख देना और बस इसी फॉर्मूले का आधार पर सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं सोचना है। अब अगर कार्तिक रूप है तो आपको एक्स वाई जेड के स्थान पर वो बिंदु रखना है, बिंदु में एक्स वाई जेड दिया जाता है जैसा एक्स वाई जेड के स्थान पर रखना है, केवल समीकरण है कुछ बदलना नहीं है और सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास एक बिंदु है एक बिंदु क्या जगह कुछ ले लेते हैं वन माइनस वन एक बिंदु से और कहे समतल, समतल का समीकरण ले लेते हैं टू एक्स माइनस अपने मन कुछ भी ले सकते हैं ठीक है टू वाई माइनस फोर क्या फाइव डिग्री फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन जे ऐसा कुछ लेता हूँ मैं और प्लस नाइन देखिए हमने यहाँ प्लस नाइन लिखा है, अगर इसको उधर ले जाए तो क्या आएगा माइनस में चिन्ह रुकता है ना, जबकि हमने प्लस लिया था वहाँ पे तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि हमने प्लस नाइन लिया था तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन दिया बस वैसे लिखना है, कह रहा है किस
दूरी का। तो सिंपल सी बात है, हम लिखना क्या है, क्योंकि एक बिंदु से एक बिंदु x1 y1 z1 से समतल, देखो समतल का रूप क्या है, समतल का रूप जो है वही इतना है ax प्लस by प्लस यहाँ पे cz, और यहाँ पे प्लस b है प्लस b। अगर ये बराबर नहीं होता तो बराबर डी के बीच की लंबवत दूरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d लिख देता हूँ, कैपिटल d बराबर मापांगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। अब यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि हमारा ये प्लस डी था, तो बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन है वैसे वैसे लिखना है। चलिए अब यहाँ पे लिखते क्या है, ए फाइव एक्स वन, एक्स वन ले लो वन प्लस टू, वाई वन ले लो माइनस वन प्लस माइनस सेवन, जेड वन की वैल्यू थ्री और यहाँ पे प्लस नाइन है तो प्लस नाइन अपॉन में यहाँ सॉल्व करेंगे रूट में फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ए का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर और माइनस सेवन का स्क्वायर फिफ्टी। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, फाइव माइनस टू और सात यहाँ से सात इक्कीस और प्लस नौ, और सॉल्व करने में कितना जाएगा यहाँ से पांच माइनस दो और एक दूसरा नतीजा जाएगा फाइव माइनस टू माइनस इक्कीस और प्लस, ठीक है। और बटे में यहाँ मुझे मापा लगा था मैं अंडर रूट में, इसको ऐड करेंगे तो जाएगा सेवेंटी, और जैसे सॉल्व करेंगे इक्कीस और दो तेईस और नौ पांच चौदह, सॉल्व करने का जाएगा नाइन, नौ बटा रूट में यही हमारा क्या जाएगा वर्ग इकाई, दूरी भी हो सकता है तो वर्ग इकाई, वर्ग नहीं इकाई मात्रक इकाई, वर्ग तो क्षेत्रफल लगता है मात्रक, अगर मात्रक इकाई नहीं लिखते हैं ठीक है तो कुछ भी नहीं, कुछ हो सकता है यहाँ पे, अगर आप इसको हटा करके ऐसे लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत, क्योंकि दूरी दिए गए मान के आधार पर हो जाएगा इकाई के रूप में, ठीक है समझ आ गया। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूले रखना है यहाँ रखना है और सॉल्व करना, बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्मूले हमारा नहीं आता, लेकिन प्लस में हमने प्लस लिखा है यहाँ पर प्लस आ गया, यही इसी में कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन का आंसर आने में दिक्कत हो जाती है। जैसा प्रश्न दिया है ठीक वैसे ही लिखना है आपको, अगर ये उधर होता प्लस के रूप में तो इधर आने में मान लिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या आपको आपको बताते हैं कि अगर एक बिंदु दिया हुआ है, आप सदिश लिख देता हूँ, बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पर टू आई माइनस जे माइनस फोर, टू आई माइनस जे माइनस, और समतल का समीकरण नहीं देता हूँ यहाँ पर, सदिश रूप लेता हूँ यहाँ, ठीक है, चाहे सदिश रूप दिया हो चाहे कार्तिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आर डॉट यहाँ पर लिखता हूँ थ्री आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व, थ्री आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व, और यहाँ पे माइनस नाइन, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बिंदु से समतल के बीच की लंबवत, वही डेफिनेशन है कि बिंदु सदिश से समतल के बीच की लंबवत दूरी, एक बिंदु से समतल आर डॉट एन माइनस डी बराबर जीरो, जैसा दिया हुआ है वैसे वैसा है कि बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी क्या जाएगा डी बराबर है कैपिटल डी, यहाँ मापांक में वेक्टर ए डॉट एन माइनस क्या माइनस है डी अपॉन में मॉड ऑफ, जैसा वैसा ही आर का समीकरण करना है बिंदु रखना है, चलिए मान रखते हैं यहाँ से एक की वैल्यू कितना है, एक की वैल्यू यहाँ से टू आई माइनस जे माइनस फोर डॉट एन की वैल्यू कितना है, यहाँ से एन की वैल्यू थ्री आई माइनस फोर जे प्लस ट्वेल्व और माइनस डी तो माइनस नाइन, क्योंकि यहाँ माइनस है माइनस, अगर ये प्लस होता तो प्लस होता, मापा यहाँ पे बर्थडे में अंडर रूट मापा एन, एन मतलब यहाँ से इसका थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर ट्वेल्व स्क्वायर हो जाएगा नौ
प्लस 16 प्लस 100, क्योंकि r डॉट n होता है, क्या होता है r डॉट n। अब यहां सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, 6 माइनस प्लस 4 और यहां से 12 चौक 48 माइनस 48 और माइनस और बटे में रूट में कितना जाएगा, यहां से ये जाएगा 144 और सॉल्व करो 16 ये 44 और 16 और 9 165, यहां सॉल्व करेंगे तो दिया जाएगा 47 माइनस 47 और बटे में, क्योंकि दूरी ने आपको नहीं होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे 47/30 इकाई या मात्रा कुछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इकाई मात्रा मतलब दूरी कुछ हो सकता है मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं, तो आपको क्या लग देना है और यह इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े आसानी से इस फॉर्मूले को रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एन के स्थान पे मात्रक दिया होता है, एन कैप दिया होता है, क्या जाता है एन कैप, तो कंफ्यूजन ही हो रहा है। अगर इसको आप ऐसे लिखें वेक्टर ए डॉट एन कैप माइनस बी तो भी सही है, उस कंडीशन क्या होगा जो यहाँ पे मापांक एन कैप होगा उसके लिए क्या हो जाएगी ए, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कहीं पे कहीं से भी लिखाओ, आपको एक फॉर्मूले के आधार पर बड़े आसान से तरीके से सारे क्वेश्चन जो भी रहेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार अलग अलग क्वेश्चन आप लेते रहिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए जिससे और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत सिंपल तरीके से छोटे छोटे भागों को बांध करके हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।